आज की वीडियो का मौजू वादिय सिंध के जानवर हैं। वादिय सिंध में कई तरह के जानवर मौजूद थे। इन जानवरों में पालतू जानवर भी थे और जंगली जानवर भी थे। पालतू और घरेलू जानवरों में कुत्ते, बिल्लियाँ, भेड़, बकरियाँ, बैल, गाय, ऊंट, बंदर, तोता, मुर्ग, कोहान वाले मवेशी, छोटे सींगों वाले मवेशी और भैंसे शामिल हैं। गधों के होने का भी इम्कान है, शायद हाथी भी था, पर उसका वाहन सबूत यह है कि मोरों में हाथी की छवि भी है। लेकिन हाथी पालतू था या नहीं, मगर हाथी दांत का इस्तेमाल होता था। जंगली जानवरों में बंदर, गैंडा, चीता, रीछ, हाथी, अरना, भैंसा, स्याह चूहा, बारा सिंगा, हिरन वगैरह शामिल थे। जानवरों में खरगोश, बंदर, फाख्ता, तोते वगैरह शामिल हैं। इन तमाम जानवरों की शबीहें मोरों पर मिलती हैं। घोड़े के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये वादिय सिंध के लोगों की जिंदगी का हिस्सा अभी नहीं बना था और लोग घोड़े से वाकिफ नहीं थे। नकलो हरकत के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। बैल, गायें, भैंस पाले जाते थे। सुअर की हड्डियां भी मिली हैं। चन्नोदाड़ों में एक ईंट पर बिल्ली के पांव का निशान है। जब ईंट गीली होगी तो उसका पांव ऊपर लगा होगा और वहीं सब हो गया। बिल्ली, कुत्ते समेत तमाम पालतू जानवरों को पाला जाता था। पालतू जानवरों को गोश्त, दूध और कुछ दीगर मकासद की खातिर पाला जाता था। पालतू जानवरों से गोश्त हासिल करने के अलावा वादिय सिंध के लोग गोश्त के लिए शिकार भी करते थे। एक ऐसी मोहर भी दरियाफ्त हुई है जिसमें दो आदमी एक तीर के जरिए हिरन का शिकार कर रहे हैं। एक और मोहर में ऐसी तस्वीर है जिसमें जंगली बकरी का शिकार किया जा रहा है। मोहनजोदड़ो में ऐसे तीर मिले हैं जिनसे शिकार किया जाता था। कई चूहे दान भी मिले हैं जिनकी मदद से चूहों को पकड़ा जाता था। मछली पकड़ने के लिए कई तरह के कांटे इस्तेमाल किए जाते थे।